नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा के कृषि उपज मंडी करहिया में आज किसानों का अनूठा विरोध सामने आया है, जहां पर किसान नेता रामजीत सिंह ने धरना स्थल पर ही अपने पुत्र का विवाह संस्कार आयोजित किया तथा इस विवाह संस्कार में लड़की पक्ष एवं स्वयं बारात लेकर मंडी स्थित धरना स्थल पहुंचे, जहां पर दोनों ने एक दूजे को माला पहनाई और अग्नि की जगह संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी मानकर सात फेरे लिया और विवाह समारोह संपन्न कराया। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून बिल के विरोध में यह सब कार्यक्रम किया जा रहा था। एक ओर जहां किसान बिल के विरोध में धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के किसानों के द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा की कृषि उपज मंडी करहिया में भी किसानों का एक बड़ा समूह 75 दिनों से लगातार आंदोलनरत है तथा किसानों ने घर वापस न जाने की कसम खा ली है, जिसके लिए वह बाकायदे अपने अपने धर्मों में किए जा रहे संस्कार को भी धरना स्थल पर ही पूरा कर रहे हैं। और यही कारण है कि आंदोलनरत रामजीत सिंह ने अपने पुत्र सचिन सिंह का विवाह हिंदू रीति रिवाज से धरना स्थल पर ही संपन्न कराया। रामजीत सिंह की माने तो कृषि कानून बिल का विरोध करते हुए वह घर वापसी नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए धरना स्थल पर ही पुत्र का विवाह संस्कार पूर्ण करा लिया गया है। उन्होंने सरकार को अपना संदेश भेजा है कि अब किसान अपने अपने धर्म में किए गए संस्कारों को बगैर घर गए धरना स्थल से ही पूर्ण करेगा। बताया जा रहा है कि रामजीत सिंह के पुत्र सचिन सिंह और विष्णुदत्त सिंह की पुत्री आसमा सिंह एक दूसरे से प्रेम करते थे और परिवार की सहमति से दोनों ने काले कृषि कानून बिल के विरोध में अनूठे विवाह को संपन्न किया है, जिसमें दुल्हन स्वयं बारात लेकर दूल्हे के दरबार पर आई तथा तिरंगे के साथ संविधान पुस्तिका को साथ में रखकर दोनों ने एक दूजे को माला पहनाई और बाद में अग्नि देवता की जगह संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी मानकर विवाह रचा लिया गया और वरवधु को आंदोलनरत किसानों ने आशीर्वाद भी दिया है। आज आप यहाँ धरना स्थल पर शादी करने के लिए आई हुई हैं, क्या आपने ये सोचा था कभी कि आप शादी ऐसे करेंगी? नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या मानती हैं आप ऐसा का शादी करके, मतलब क्या संदेश देना चाहती हैं आप सरकार को? यही कि मतलब जो भी किसानों के रिलेटेड फंक्शन होंगे वो यहीं से होंगे जब तक वो अपना वो नहीं कर रहे हैं। तो आज देश की एक बेटी किसान धरना स्थल पर पहली बार इतिहास में शादी कर रही है, तो ये एक बड़ा मैसेज मानती है आप सरकार के लिए क्या? क्या चाहे मतलब क्या संदेश देंगे कि मतलब ये किसान आंदोलन को किस रूप में लिया जाए, सरकार कैसे ले रही है? शादी करने आए किसान धरने स्थल जी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस किसान अनवरत 3 जनवरी से यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है और ये किसानों की ये लगातार मार है कि सरकार जो तीनों काले कानून वापस लेकर आई है इनको वापस ले, ये किसानों के हित के लिए नहीं है, अनहित के लिए है। देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, देश की इकोनॉमी अभी कोविड के वातावरण में जब लगातार देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से ग्रोथ हुई थी, अब इसी एग्रीकल्चर ग्रोथ पर पूंजीपतियों की नज़र पड़ गई और पूंजीपति के दबाव में सरकार ने वो अध्यादेश लेकर लागू आई। अब उसी अध्यादेश को सरकार को चाहते वापस ले, जिस प्रकार वो अध्यादेश लेकर आई है उसी तरह वो अध्यादेश लेकर आए और एक काले कानून वापस ले। हम ये धरना जब तक चला रहे हैं, जब तक किसान यहाँ शादी भी करेगा, सब कुछ हर फंक्शन यहाँ किसान करेगा और धरना अनवरत चलता रहेगा। एक बच्ची और एक लड़के का ये सपना होता है कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो, कई लोग आए, बैंड बाजे बजे, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि आप लोग किसान आंदोलन के लिए नारा बोलते हुए आज दूल्हा बन के और दुल्हन बन के यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये एक नए जैसा संदेश क्या सरकार को क्या बताना चाहते हैं आप? सर, जैसे आपने कहा कि लोगों का सपना होता है कि धूमधड़ाम के शादी, तो सर जब किसान बर्बाद हो जाएगा तो वो धूमधड़ाम से कैसे शादी करी? हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये तुम अपने जो एक काले कानून लेकर आए हो वापस ले लो, किसानों को समृद्ध करो ना कि बर्बाद करो। और किसान यहाँ से शादी भी करेगा, सब कुछ अनवरत यहाँ जन्मदिन मनाए जा चुके हैं और शादी भी होगी और कोई मजबूरन इच्छा से नहीं चाहता, लेकिन सरकार ने ऐसी परिस्थिति बना ली है कि हमको ये सब धरना चलाना पड़ रहा है और धरने के खातिर हम यहाँ शादी भी करेंगे, अनवरत बैठेंगे और जब तक ये काले कानून वापस ना होंगे आप हटेंगे नहीं। हटेंगे नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है? सचिन सिंह। पूरे समाज को ये संदेश देने के लिए हैं कि हमारा जो आंदोलन है तो अब अडिग आंदोलन है, अमिट आंदोलन है और जिस प्रकार से लोगों का प्यार
और सहयोग समर्थन मिल रहा है तो हम निश्चित ही लड़ेंगे और जीतेंगे, और जब तक जीत नहीं होती तब तक हम पंडाल नहीं छोड़ेंगे। दूसरी, जो हम समाज को एक कड़ा मैसेज दे रहे हैं कि आज बच्चे को, बच्ची को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, इसमें चाहे सरकार हो समाज बाधित नहीं कर सकती। हम वो सामाजिक आंदोलन भी एक साथ लड़ रहे हैं। तीसरा, हम दहेज के खिलाफ भी एक कड़ा मैसेज देने में सफल हुए हैं कि बिना दहेज के भी शादी की जा सकती है। और देख लीजिए कि ये जन सैलाब जो उभरा है, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक भी कार्ड नहीं छपाए गए हैं, सारे लोगों को फोन पर और पेपर पर इश्तिहार के माध्यम से इतने लोग आए हैं। तो अब समाज भी, सरकार से भी, भ्रष्टाचार से भी, दहेज से उब चुकी है, ये भी कड़ा संदेश देना चाहते हैं। तीसरा, हम संदेश सरकार को देना चाहते हैं कि आप जो संवैधानिक अधिकार हमारे युवाओं को, युवतियों को था कि अपने जीवन साथी का चुनाव करें, आपने हर जगह कानून में परिवर्तन कर रहे हैं, कई धाराएं जोड़ रहे हैं कि आपको बताना होगा, आपको ये करना होगा। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है हमारे बच्चियों का, हमारे बच्चों का, कि अपना जीवन साथी चुने, और ये सारा समाज आप सही साक्षी हैं इसके। बस साथी, हमारा इतना उद्देश्य है। रामजीत सिंह महासचिव मध्य प्रदेश किसान सभा संयुक्त मोर्चा रीवा संभाग की हम संयोजक हैं। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। YouTube में गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार।